हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSBC मतलब केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि 902 पदों पर आपको जो फॉरेस्ट गार्ड का जो वैकेंसी था वो निकला था, और इसमें बहुत सारे जगह पर एग्ज़ाम भी हुआ, बहुत अच्छे तरह से हुआ। और यहाँ पे जो रिटर्न एग्ज़ाम था उसका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, और वो एग्ज़ाम जो था वो 16 जून को ही कंडक्ट कराया गया था। और अभी अगस्त थे, मतलब आज 28 अगस्त है, तो ये कल रात में ही आया था। ये आपका जो न्यूज़ है, ये जो रिजल्ट आपका, ये रात में ही आया था। लगभग ये 12 से 1 के बीच में आया था। तो अब यहाँ पर क्या उसका रिजल्ट जब आया, तो चलिए बात करते हैं इसमें कितने बच्चों का रिजल्ट हुआ है और उसके बाद क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसमें 25 किलोमीटर का दौड़ कहा गया था। कितना मिनट के अंदर, तो वो आपको बता, 4 घंटे में बताया था, 4 घंटे के अंदर आपको 25 किलोमीटर आपको दौड़ना है। ये पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो जो लोग इसमें पास करेंगे उनका जो फिजिकल और फिजिकल टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। तो अब चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कितने बच्चों को यहाँ पे रिजल्ट हुआ है। तो जैसे कि आप लोग को और मालूम होगा कि जो मेधा क्रम अनुसार ये बनाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो PET के लिए जो निकाला गया मेधा क्रम अनुसार एवं आरक्षण कोटि वर्ग 2 गुना चयन उम्मीदवारों की विवरण निम्नलिखित है। मतलब यहाँ पर मेधा मेरिट लिस्ट निकाला गया और साथ में यहाँ पर जो 2 गुना रिजल्ट निकाला गया, 902 बच्चों का है तो इसको 200 गुना करेंगे तो हो गया 1818 बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट को यहाँ पर निकाला गया, 1804 बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट आया है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितने बच्चों का कितना आया है। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर अनारक्षित सामान्य जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो पुरुष महिला कई दोनों को मिलाकर 451 पोस्ट यहाँ पर था, तो वो यहाँ पर है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, अनुसूचित जाति की, तो पुरुष महिलाओं के योग था 145, जिसमें 317 सेनानी के थे और 6 दिव्यांग सहित थे। उसी प्रकार से ST की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल 9 सीट थे। और यहाँ पर BC की बात करें, BC1 की बात करें तो यहाँ पर 162 सीटें थे, और BC की बात करें तो 108 सीटें थे, ये सिर्फ महिला और पुरुष दोनों को जोड़कर। लेकिन अब बात करते हैं कितने बच्चों का रिजल्ट इसमें आया है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 1804 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, जहाँ पर जनरल कैटेगरी में पुरुष में 596 सीट थी, महिला में 306 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर 902 सीट यहाँ पर हुआ है। पुरुष और महिला SC की बात करते हैं 182 और 108 सीट यहाँ पर उनको रिजल्ट दिया गया, तो 290 सीट यहाँ से आया। और उसी प्रकार से ST की बात करें तो यहाँ पर 12 सीट पुरुषों के लिए और 6 सीट महिलाओं के लिए आया, तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 18 सीट यहाँ पर निकला गया। और ABC की बात करें तो 204 पुरुषों को मिला और 120 महिलाओं को रिजल्ट दिया गया, तो यहाँ पर 324 सीट हुआ। उसी प्रकार से हम बात करते हैं BC की, मतलब BC2 की, तो यहाँ पर पुरुषों के लिए 144 सीट यहाँ पर उसका रिजल्ट आया और महिलाओं के लिए 72 मिलाकर 216 सीट हुआ। और BC में जो 3% छूट मिलता है महिलाओं को सिर्फ, उसमें 54 सीट यहाँ पर मिला आपको। चलिए अब बात करते हैं कि इसका और भी कुछ नियम क्या है। उससे पहले चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर देख लेना है, आपको क्या कैसे कर सर्च करना है। तो अपना रोल नंबर यहाँ पे सर्च बार में मारिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ कि 1100 कुछ ऐसा करके मारिएगा, तो यहाँ पे आपको जो होगा सर्च यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर सर्च जो होगा वो यहाँ पर मिलना हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो रोल नंबर अपना डालिए, और यहाँ पर आपको फाइंड किया तो मतलब आपका रिजल्ट हुआ, नहीं मिलेगा तो मतलब आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जो मेरिट वाइज जो बोला गया है कि मेरिट वाइज निकाला गया है, बट ये जो निकला रिजल्ट ये मेरिट वाइज नहीं, ये रोल नंबर सेंडिंग ऑर्डर से निकाला गया। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 10 12 17 00 21 है, तो यहाँ 10 12 17 00 111, फिर 150 है, फिर 227 है, फिर 243 है, इस प्रकार से क्या हो गया, ये निकाला गया है। तो जरा इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये मेरिट वाइज ये नहीं बना है। अब साथ में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देखिएगा तो यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लिखता है कि जिनका रिजल्ट इसमें हुआ है उनको PET के लिए जो एडमिट कार्ड है वो आपको वेबसाइट पर हमेशा देखना पड़ेगा, और वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ये रिजल्ट जो हुआ आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बोला गया है कि आपको जब भी ये एडमिट कार्ड दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, इसका ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब इसका एडमिट कार्ड आएगा कि किस प्रकार से उसे डाउनलोड करना है। और उसे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब ये नोटिफिकेशन मिले आपको तब सबसे पहले आप निकाल सकें। और देख सकते हैं PET की तिथि समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश पत्र तथा पार्सल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और कहाँ से निकालेगा तो csbc.bihs.nic.in पर आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ देखिए PET में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का
सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में अवधि विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। सभी योग्य उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या 1-2-19 वर्णित सभी शर्तों और प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। प्रेस मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धि के लिए पार्षद दादादारी नहीं होगा। दलालों से सावधान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे संदिग्ध के संबंध में पुलिस को सूचित करें। चलिए बात करते हैं कुछ जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ बिहार फॉरेस्ट गार्ड जॉब्स, तो यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब पीईटी के लिए यहाँ पर दिखाया हूँ। तो मेल में देखते हैं मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर, अदर कैटेगरी के लिए मतलब जनरल ओबीसी के लिए, और उसी प्रकार एससी एसटी की बात करते हैं 160 सेंटीमीटर ही दिया गया है। उसी प्रकार से मिनिमम चेस्ट जो मेल के लिए है 81 सेंटीमीटर है और जो एससी एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर है। तो एक्सपेंशन करने के बाद मतलब फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर दोनों में फुलना चाहिए, 81 से 86 होना चाहिए, यहाँ से 79 से 84 होना चाहिए। उसी प्रकार से रनिंग की बात करें तो रनिंग सभी के लिए कॉमन है, 25 किलोमीटर 4 घंटा में को दौड़ना है। साथ में फीमेल की मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, लेकिन एससी एसटी की बात करें तो 155 सेंटीमीटर ही मांग रहा है। रनिंग की बात करें तो यहाँ 14 किलोमीटर दिया गया है उन लोग को 4 घंटा में दोनों में, एससी एसटी और जनरल ओबीसी जो कैंडिडेट है फीमेल में उनको 14 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर दौड़ना है। तो ये रहा था आपका इस प्रकार से कि आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका इस प्रकार से लिया जाएगा। और आप चाहते हो कि किसी पर इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो में कुछ आपको खराबी लगा हो तो कमेंट करके बताइए, पर गलत कमेंट ना करें, उससे मेरा हौसला टूटता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।